माय डियर फ्रेंड्स क्लियर। अभी आप आइए, एक व्यक्ति जो ऑप्शन भर देता है उसके लिए क्या लागू होता है। आइए, हमने पेंशन कैलकुलेशन जो हायर पेंशन स्कीम के तहत में देखते हैं कि कितना अगर हम ऑप्शन भर देते हैं हमको कितना बेनिफिट हो रहा है, अगर हम ऑप्शन नहीं भरते हैं तो हमारा पेंशन कितना मिल रहा है। ठीक है, 2024 में 30 जून को रिटायर हो रहा है, डाटा वही रहेगा, डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, मैंने यहां पे लिखा हूं पेंशन कैलकुलेशन ऑफ हायर पेंशन अंडर ईपीएस 95 एक्ट पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इज 4 नवंबर 2022। ये कंफ्यूजन आप लोग के सामने दूर होने के लिए मैं रख रहा हूं। डिटेल कैलकुलेशन सीरियल नंबर 3A, ऑप्ट इन ऑप्शन 3B, पेंशनेबल सैलरी ₹3C एंड 3D पेंशनेबल कैलकुलेशन एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स कंट्रीब्यूटेड आफ्टर 95 डिवाइडेड बाय 70 एंड पेंशन अमाउंट इन ₹3E। क्लियर। अब आइए, पीके ऑप्शन भर देता है, अगर ऑप्शन भर देता है उसका सैलरी कितना था, 1,94,000 एवरेज सैलरी लास्ट 60 मंथ्स की, और हमने जजमेंट के हिसाब से बोला कि एवरी 20 इयर्स में 2 साल कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अभी एवरेज सैलरी 1,94,000, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर 95 रिटायर हो रहा है 30 को, 30 साल प्लस 2 साल 32 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 88,686 हिज पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वन सेकेंड, रिपीट कर रहा हूं, मैं ऑप्शन भर दिया, 1,94,000 मेरा सैलरी था, मैंने 30 साल नौकरी किया, सरकार का जजमेंट हिसाब से 2 साल मिला, 32 साल हो गया, फॉर्मूला यही कहता है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 6 मंथ इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस प्लस 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 70 कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ माय बेसिक एवरेज सैलरी बेसिक प्लस दिए 88,686। मान लीजिए पीके ऑप्शन भरता नहीं है, जैसे चलता है ऐसे चलने दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं करूंगा। अगर पीके नॉट ऑप्टेड उसका ₹5,000 था, कब तक था, नवंबर 95 से उसकी कब तक, नवंबर 95 से ये सितंबर तक था, सितंबर 2001 तक था 5,000, फिर उसका वैल्यू था अक्टूबर 2001 से लेकर अगस्त 2014 तक 6,500 लिमिट था, और अक्टूबर ये सितंबर 1 तारीख 2014 से अभी तक वो रिटायरमेंट तक पीके का 15,000 आएगा, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं भरता। आइए कैलकुलेशन करिए, एवरेज सैलरी 5,500, ये 5,000 इंटू 71 मंथ्स काम किया था, 71 मंथ्स मतलब बी केयरफुल, आपका नवंबर 95 से ये सितंबर 2001 तक आप कैलकुलेशन करिए, 71 मंथ्स, ये 71 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स मैंने इयर्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसे ही फिर अक्टूबर 2001 से लेकर उसको 30 जून
अगस्त 2014 तक आप कैलकुलेशन करिए, देखिए आपको आएगा 155 मंथ, 65,000 था उस समय सीलिंग, और 155 मंथ डिवाइडेड बाय 12 में ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, देन प्लस 15,000 रुपया कब से, सितंबर 2014 से लेकर मेरा रिटायरमेंट तक 30/6/2024 तक 118 महीना डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि ये 2 साल इसी में कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं भर रहा हूं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर ये कैलकुलेशन करोगे आपका पेंशन का अमाउंट जो रिटायरमेंट के दिन में मिलेगा 2024 में 3,765 रुपया। अगर आप ऑप्शन भरते हो 88,686 रुपीस, अगर आप पेंशन मिलेगा आपको मिलेगा, प्लस जब तक आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा उसके बाद भी आपका स्पाउस को मिलेगा 50%, आधा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन नहीं भरता है, पीके अगर ऑप्शन नहीं भरता है, तो आपको 3,765 रुपया मिलेगा। अगर आप टोटल डिफरेंस देखेंगे ऑप्शन भरना ऑप्शन नहीं भरना, डिफरेंस 84,921 रुपया का डिफरेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग, ऑप्शन भरना या नहीं भरना किसके ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे अगर ऑप्शन भरना पड़ता है मुझे कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मेरा खाता से कितना पैसा देना पड़ेगा, तब तो मैं सोचूंगा ना कि मैं वो पैसा को डाइवर्ट करूं या डाइवर्ट ना करूं। अगर वो डाइवर्ट ना करूं तो अगर बैंक में रखूं मुझे कितने मैंने ब्याज मिलेगा, और अगर मैं ऑप्शन भर देता हूं डाइवर्ट करके ईपीएस को मेरा इतना अमाउंट हो, तब मेरे को ये हायर पेंशन स्कीम में शामिल होगा। हायर पेंशन का नाम समझ में आया कि ये कहां 3,765 और कहां 88,686, वो मैं पीके का एक एवरेज सैलरी के चलते। आइए अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर मैं ऑप्शन भरता हूं मुझे कितना मेरे खाता से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, या मेरे को एक्सटर्नली भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरना है तो जरूरत नहीं, अब भरना है ऑप्शन भरना है जॉइंट ऑप्शन ये जो 3/3/2023 तक, तो मुझे कितना पैसा डाइवर्ट करना पड़ेगा। आइए